तो हेलो लो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज का वीडियो ना आप सब लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोग को ये बताने वाला हूँ कि सीज़न 18 का जो इलाइट पास आ रहा है उसमें एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ आ रही है और उसका क्या यूज़ होगा। और सीज़न 18 का इलाइट पास में गाइस आप लोग के लिए एक बुरी खबर है कि इमोट नहीं है गाइस। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए गाइस कि इमोट क्यों नहीं है और इमोट के बदले क्या आ रहा है सीज़न 18 के इलाइट पास में गाइस। सुबह के 4 बजे गाइज़ और रिकॉर्ड करने में फट के 4 हो रही है मेरी खुद की भी। तो इसलिए बोलता हूँ गाइज़, अगर आप लोग इस चैनल पर कहीं से भी आए हो, कहीं से भी क्लिक करके आए हो, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब का बटन दबा दो और बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल कर दो, ताकि आपको मैं वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहे टाइम टू टाइम। गाइज़ वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोग की स्क्रीन पर एक वीडियो दिख रहा रहेगा कि गरीना ने एक नया इवेंट लाया है डायमंड्स का। जी हाँ गाइज़, आप लोगों ने सही सुना, डायमंड्स का। अगर आपके पास 0 से 49 डायमंड्स है तो आप 90 रुपीज़ में 520 डायमंड ले सकते हैं और वहाँ पे सब चीज़ें एक्सप्लेन की है। तो मेरे ख्याल से जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मैंने ले चुका हूँ, ठीक है। मैं ये वीडियो अभी डाल रहा हूँ बिकॉज़ डालना अभी पड़ रहा है बिकॉज इतना सुबह सुबह वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कि मैंने ले लिया है वो चीज़ को, एंड ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। गरीना ने कभी ना कभी तो कुछ अच्छा काम किया भाई, सच बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ। गरीना ने क्या काम किया यार, मज़ा आ गया आज का। मतलब सुबह सुबह उठ के देखने को ना यार कि हाँ भाई क्या डायमंड्स मिले 90 में 520, तो आपका भी दिल खुश हो जाएगा। इस चलिए अभी बात करते हैं हम लोग सीज़न 18 का जो इलाइट पास आ रहा है वो कैसा दिखेगा। तो आप लोग के सामने अभी एक पिक शो होगा गाइज। ये देखिए गाइज, जो सीज़न 18 का इलाइट पास है उसमें जो स्टार्टिंग में आप लोग को गन की स्किन मिल सकती है वो है एक UMP की गन की स्किन। ठीक ठाक लग रही है बट इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। उसके बाद आपको मिलेगा गाइज एक पैराशूट, उसके बाद मिलेगा आप लोग को समन एयर ड्रॉप और एक क्या रिसप्लाई मैप है शायद से ये, और एक बैनर मिलेगा। तो इससे ये साबित हो रहा है गाइस कि इन लोगों ने कुछ चेंजेस किए हैं अपने स्टार्टिंग में। जैसे कि हम सब लोग ने देखा है कि लाइट पास का जो स्टार्ट होता है वो कैसा डिफरेंट होता है। आइए गाइस देखते हैं दूसरा पिक और देखते हैं दूसरे पिक में क्या है। तो गाइस जैसे कि अभी आप लोगों के सामने दूसरी पिक आ चुकी है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको 35 बैचेस कम्प्लीट करने के बाद गोल्ड मिलेगा, फिर एक बैनर मिलेगा, फिर बाउंटी मिलेगा क्या एक दिन के लिए। और उसके बाद ये जो लड़की का ड्रेस आया है वो सच में इस बार आई थिंक बेस्ट है, बिकॉज आई थिंक ये रेसर का लग रहा है कि वॉरियर का लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका जो ऊपर का भाग है वो आधा रेसर का है और जो शोल्डर का भाग है वो वॉरियर का भाग लग रहा है। बट बहुत ही अच्छा ड्रेस है। उसके बाद आप लोग को अगर फ्री फायर पास लिया है तो आप लोग को एक डायमंड रॉयल वाउचर मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो ये था दूसरे पार्ट में, और अभी देखते हैं तीसरे पार्ट में क्या है इलाइट पास का। तो गाइस जो तीसरा पार्ट है इलाइट पास का उसमें आप देख सकते हैं आपको वापस से कुछ ना कुछ फालतू चीज़ें मिलेगी, बट एक फालतू चीज़ों के बाद आप लोग को मिलेगा M249 की मजबूत वाली स्किन, जिसका कुछ फ़ायदा नहीं है फ्री फायर में, ना तो वो डैमेज देती है ना तो कुछ करती है, बट स्किन है तो भाई सब लोग लेते हैं भाई, सबको स्किन कलेक्ट करने की आदत होती है। तो यहाँ पे फ्री फायर ने हमारा कार्ड दिया एक ऐसी स्किन देके जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, जो 80 बैचेस कंप्लीट करने के बाद हम सबको मिलेगी। बेसिकली ये स्किन, ये गन बहुत ही कम लोग इस्तेमाल करते हैं, बट मैं ज़्यादा एक इस्तेमाल इसको नहीं करता हूँ, बिकॉज़ यार अगर हमारे पास डबल डैमेज की गन है तो हम इसको क्यों इस्तेमाल करेंगे। यही सबका पॉइंट है कि कोई अच्छी गन की स्किन दो जो हम लोग यूज़ कर सके, जैसे कि UMP में इस्तेमाल करता हूँ इसलिए मुझे अच्छी लगी। तो ये थोड़ा पार्ट मेरे को बेकार लगा। अभी आइए देखते हैं आगे क्या क्या है इलाइट पास में। तो गाइस ये इलाइट पास का सबसे बेस्ट बैग है आई हैव एवर सीन, मतलब कि हाँ भाई इलाइट पास का जो बैग होता है वो इतना मज़ेदार होगा। जैसे कि आप अगर आगे आते रहेंगे तो आप 85 बैच कंप्लीट करेंगे तो आपको रिसप्लाई मिलेगा, उसके बाद आपको मिलेगा वेपन रॉयल का वाउचर, पेट फूड, एंड उसके बाद एक बहुत ही मज़ेदार बैग जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। अगर मैं फ्री फायर का पास लेना चाहूँगा तो मैं ऐसे ही लेना चाहूँगा ये बैग देख के, बिकॉज़ ये बैग तो कातिलाना लग रहा है। एंड जो इसका लुक दिया है लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 का, आप लोग को लेवल 3 का दिख रहा है वो सच में बहुत सही है। और मानिए मेरी बात कि इसका जो लेवल 3 का भी, जो लेवल 1 का भी लुक रहेगा वो भी बहुत सही रहेगा गाइस। तो आइए देखते हैं फोर्थ पिक में क्या है गाइस। देख सकते हैं फोर्थ पिक में आप लोग को मिल रहा है एक उड़न तस्करी, मतलब जिससे आप लोग उड़ते हैं, उसका नाम है सफ़र बोट। एंड सफ़र बोट का लुक बहुत ही मज़ेदार दिया गया है,
लाइक लाइटनिंग वाला दिया गया है एंड शायद से हेलोवीन आ रहा है, इसीलिए जो अगले महीने का लाइट पास रहेगा वो हेलोवीन के ऊपर बेस्ड रहेगा। बट उसके बीच में हेलोवीन आ रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि पूरा जो इन लोग लाइट पास बनाएंगे वो हेलोवीन का बनाएंगे। बेसिकली सफ़र बोर्ड मुझे पसंद आया, बेसिकली जब 80 क्रॉस हुआ तो जो लाइट पास का लुक था वो चेंज हो चुका है। अभी देखिए और क्या क्या चेंज होता है गाइस। तो ये वाला जो बैग है, जो बैग से बोला, जो ये वाला डेड बॉक्स है वो भी बहुत ही जानदार लग रहा है। आप लोग जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार एंड बहुत ही उम्दा लग रहा है ये जो डेड बॉक्स है। बिकॉज फ्री फायर में डेड बॉक्स देखा जाए तो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट डेड बॉक्स आया था वो बहुत ही सिंपल वाला था एंड उस पर लिखा गया था किल मी करके एंड बिंदास था वो बैग, मतलब वो जो डेड बॉक्स था वो एक नंबर था। एंड गाइस उसके बाद आप लोग देख सकते हैं आपको मिलेगा 24 आवर्स के लिए ये पैराशूट जैसा, क्या बोलते हैं उसको, यार मैं नाम भूल गया। फिर बाद में पेट फूड मिलेगा, फिर बाद में आपको एक सफ़र बोर्ड मिलेगा। अभी आते गए एकदम मेन पार्ट पर जो आप लोग को दिखाना है। बेसिकली गाइज अगर आप आगे आते जाएंगे तो आपको स्क्रीन पे अभी एक पिक देखने को मिल रहा है, जो हम लोग अगर 170 बैचेस कंप्लीट करेंगे तो हम लोग को फ्रेगमेंट्स मिलेगा मैजिक क्यूब का। अब इसका क्या काम होगा अब तक हम लोग को पता नहीं चला है। बेसिकली मैंने फ्री फायर ऑफिशियल का पिक भी देखा है एंड ये कन्फर्म है कि ये फ्रेगमेंट आने वाला है हमारे एलाइट पास में और हमारे कुछ इवेंट्स में। बट अब तक इसका काम क्या होगा ये हमें अब तक नहीं मालूम पड़ा है। बट अगर मैजिक क्यूब की तरह ये भी काम करेगा तो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट रहेगा। आप लोगों को मालूम है कितने लोग हैं जो मैजिक क्यूब के लिए कितना पैसा बर्बाद कर चुके हैं, उनको अब तक नहीं मिला है। तो ये आई थिंक उनके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा कि ये एक इलाइट पास ले लें और इस पर काम करें और देखें कि ये मैजिक फ्रेगमेंट है क्या। बिकॉज ये चाइना में लिखा है, चाइना में कुछ समझ में अपने को आता बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए आगे आगे क्या होता है, क्या क्या चीज़ें काम करती है इससे। ऐसे ही आप लोग आगे आते जाएंगे वापस से हमारा फ्री फायर ने ये लाइट पास में जो सीज़न 18 का आएगा उसमें वापस से हल्की सी एक बार काट ली है, क्योंकि 200 बैचेस कंप्लीट करने पे हम लोग को एक ऐसा बैग मिलेगा जिसका कोई वजूद ही नहीं है। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो बैग का फ़ोटो किया, 200 बैचेस कंप्लीट कर रहे लाइट पास ले के एंड हमको मिल के आ रहा है एक ऐसा बैग जो रस्सी से सिला हुआ है। एंड उससे अच्छा तो वो बैग था जो हम लोग को पहले मतलब बिना कितना भी बैचेस कंप्लीट करने के मिल रहा था। एंड मेरे ख्याल से इस बार इन लोग ने जो फ्री फायर पास है जो इलाइट पास के बिना होता है उस पर इन लोगों ने कुछ ज़्यादा गौर नहीं किया है, क्योंकि उस पर अब तक हम लोग ने देखा है कि बस वाउचर ही वाउचर है, पेट फूड है एंड उस पर उन लोग कुछ दे नहीं रहे। इससे अच्छा पबजी है कि कुछ तो देता है। लास्ट देखते गए इस लास्ट का बंडल कैसा होने वाला है, आइए चलते देखने को। आप लोग देख सकते हो कि जो लास्ट का बंडल है उसमें 225 बैचेस कंप्लीट करने के बाद ये जो बंडल मिलने वाला है ये इतना खास नहीं लग रहा है। जो हमको 80 बैचेस कंप्लीट करने के बाद जो लेडी का बंडल मिल रहा था उससे ज़्यादा नहीं लग रहा है। बेसिकली अगर आप इस लोग इसके कॉस्ट्यूम में गौर करो, ठीक है, इसके अगर कॉस्ट्यूम में गौर करोगे तो इतना मज़ेदार नहीं है। ऐसा लग रहा है ये कुछ 200 डायमंड में ख़रीदा हुआ है फ्री फायर ने खुद ने, मेरे को लग रहा है, बिकॉज इतना खास लग नहीं रहा है देखने में। बस ये हयाटो जैसा, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग तो ये हयाटो और जो लड़की का ये कौन है वो जो स्नाइपर से खेलते हैं उन लोग का इन लोग रिव्यू देते हैं ये पूरे लाइट पास में जो भी आता है। तो अगर ये हयातो पे इतना सूट करा तो मेरे ख्याल से एंड्रू पे कितना करा है उस किसी को भी नहीं मालूम रहेगा। बिकॉज आप लोग सामने देख सकते हो इतना खास नहीं लग रहा बंडल, वो पिक में बहुत ही अच्छा लग रहा है बट पिक के जब बाहर आया तो एकदम गोबर लग रहा है। ये ऑफिशियल रिव्यू है बिकॉज बेकार बंडल, क्योंकि जो 80 बैचेस कंप्लीट करने पर हम लोग को जो लेडी का बंडल मिला था वो बहुत ही ख़तरनाक था एंड उसके मुकाबले में ये तो भाई इतना मज़ा नहीं आया। ठीक है गाइस, तो इसके बाद आप लोगों को सब लोग को मालूम है कि क्या होता है 225 बैचेस के बाद आप लोगों को कुछ अच्छे अच्छे सामान मिलते हैं। जैसे कि अगर आप लोग कंप्लीट करना है तो आप लोग इलाइट पास भी ले सक, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मैजिक क्यूब भी आप लोगों को मिल सकता है बट वो बहुत ही रेयर होता है कि वो मिलेगा। तो उसके लिए प्लीज़ भागिए मत एंड अपना इलाइट पास अगर आपको लेना है तो ले लीजिए वरना मत लीजिए। ठीक है, अगर आप लोग नहीं लेंगे तो ही आप लोग के लिए फ़ायदा होगा बिकॉज पैसे बचेंगे एंड बिकॉज ये सब बंडल्स वापस से आएंगे यार फ्री फायर में, चिंता मत करो। क्योंकि अगर आप लोग देखोगे मैजिक क्यूब में देखो डायमंड वर्ल्ड का बंडल आके बैठा हुआ, मतलब जिसके लिए लोग 1000-2000 डायमंड ख़त्म किए उन लोग मैजिक क्यूब में दे दें तो फ़ायदा क्या है उसको वहाँ पर जाके देना और हम सबको पागल बनाना। एंड बहुत सारे ऐसे बंडल्स हैं जो डायमंड रॉयल में जो इसमें आके बैठे हैं, क्या बोलते हैं स्टोर में आके बैठे हैं, जो पहले
फ्री फायर में फ्री में मिल चुके हैं, उसके बाद भी उन लोग वहाँ पे आके बैठे हैं जस्ट बिकॉज उनको पैसे कमाना है, नथिंग एल्स। मेरा तो यही मानना है और कुछ नहीं। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं गाइस। तो चलिए चलते गाइस, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल, सी या।